वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स फन फैक्ट्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं जहां हम जा नहीं सकते, और वो चीज़ है, वो है रस्ते। लॉकडाउन है ना, घर के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए रस्तों की बात कर लेते हैं थोड़े। ये जो दिन वाला रास्ता है ना, लंबे लंबे कट जाए रास्ते, समथिंग समथिंग जो भी था, वो डायलॉग याद नहीं आ रहा है। ओके, अब फन फैक्ट शुरू करते हैं। तो आज हम बात करते हैं वो जो रस्तों के किनारे कुछ रंग बिरंगे से नंबर वाले वो लगे रहते हैं ना, मील पत्थर, जिसको हम अंग्रेजी में बोले तो, अंग्रेज़ी में बोले तो माइलस्टोन कहते हैं। तो उसकी बात करते हैं। हमारे भारत में वो करीब 5-6 रंग में आते हैं। अब आपने कभी गौर फरमाया हो तो आपको पता होगा वो है पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, काला। और हरा बोला क्या मैंने? ना भी बोला हो, बोला हो, जो भी हो समझ लेना। हाँ, तो वैसे करके 5 या 6 रंगों में आते हैं, मैंने गिने नहीं, आप गिन ली। तो अब बात करते हैं हम पीले मील पत्थर की। तो पीला मील पत्थर अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों पे होता है, यानी कि नेशनल हाईवेज पे, जिसको हम आमतौर पे NH 1 2 3 4 तो भी है वो बोल देते हैं। ये वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो अक्सर 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं 4 मेन नेशनल हाईवेज की। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है, यानी कि उत्तर और दक्षिण दोनों कनेक्ट हो गए, इसलिए इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। और ये हमारा जो है कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये करीब 4,000 किलोमीटर लंबा है। तो आपको इस कॉरिडोर में तो पक्का पीले वाले माइलस्टोन मिलेंगे। अब इसके साथ आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये कॉरिडोर गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से कनेक्ट करता है। ये करीब 3,300 किलोमीटर लंबा है। अब हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। ये भी एक बहुत ही, आप बोल सकते हैं, नेशनल हाईवे में बहुत ज़्यादा इसका नाम होता है, बिकॉज इट कनेक्ट्स, ये हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो इन चारों को जब वो कनेक्ट करता है तो वो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, और ये करीब 5,846 किलोमीटर लंबा है। तो आपको इस मार्ग पे भी पीले वाले पत्थर नज़र आएंगे, मील पत्थर। अब हम बढ़ते हैं आगे हरे मील पत्थर की। तो ये हरा मील पत्थर आपको अक्सर उन मार्गों पे नज़र आएगा जो किसी राज्य के हों, यानी कि जो राज्य सरकार जिन रस्तों के ऊपर निर्माण करती है या जिन रस्तों के देखभाल करती है, उस पे आपको ये हरा वाला मील पत्थर नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं नीला, सफ़ेद या काले मील पत्थर की। अक्सर बड़े शहरों या ज़िलों में नज़र आएगी, जैसे कि बड़े शहर जो भी हो सकता है, मुंबई कह लो चाहे आप, ठीक है, तो वैसी जगहों पे आपको ये वाले पत्थर नज़र आएंगे, मील पत्थर नज़र आएंगे। अब आखिरी बचता है, वो है नारंगी मील पत्थर। नारंगी रंग का मील पत्थर, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, ये है नारंगी रंग का मील पत्थर। तो नारंगी रंग का मील पत्थर आपको अक्सर ग्रामीण सड़कों पे नज़र आएगा, यानी कि जो सड़कें या तो किसी गांव की हैं या उनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा बनाई गई है। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा। ये दूसरा एपिसोड है, अगर आपने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा जिसमें मैंने वो फटी हुई जीन्स की पीछे की कहानी बताई है, जिसको हम रिप्ट जीन्स कहते हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए, अगले इस फन फैक्ट्स की वीडियो तक के लिए, फिर मिलेंगे, बाय।